दोस्तों नमस्कार, आपका सेफ राजेश फिर से हाजिर एक नई और बड़ी आसान सी रेसिपी लेकर। दोस्तों आज हम बनाएंगे दही के बॉल और दही के कबाब, दोनों चीज़। यहाँ दोस्तों ये जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ इसको आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नई और स्पेशल रेसिपी लेकर। दोस्तों दही के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप दही ले लिया है और मखाना पाउडर लिया एक कप, पीनट को मैंने रोस्ट करके पीस लिया था उसको, हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और मैश पोटैटो लिया मैंने, बॉयल आलू को पीस लिया था बारीक तरीके से, और फाइन चॉप किया हरा धनिया लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में मैंने एक चम्मच यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो भी मिजा करके रखा हुआ है, जो बारीक चीज़ें काट के रखी है, उसको हम पहले हम सौते कर लेंगे। सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी मिर्च यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और इसको बढ़िया से हम पका लेते हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम यहाँ पर जो मैंने पीनट पीस के रखा हुआ था रोस्ट करके इसको मिक्सर में घुमा लिया था जिससे क्रश हो गया है, और मखाना पाउडर यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगा मैं और आधा चम्मच यहाँ पर सेंधा नमक ऐड कर रहा हूँ मैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको भुनने से क्या होगा ना, जो मैं दही के कबाब बना रहा हूँ या फिर दही बॉल जो बना रहा हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। हम यहाँ पर एक ही सेम इंग्रेडिएंट से दो रेसिपी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दो अलग अलग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या एक वीडियो में आपको दो रेसिपी का स्वाद मिल सकता है। तो अब जब बढ़िया हमारा जो मिक्सचर है वो बढ़िया से भुन जाएगा, भुनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल के या बॉल में निकाल के हम रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। गरम गरम हमें दही में इसको मिक्स नहीं करना है। यहाँ दोस्तों इसमें हम अपना पोटैटो भी ऐड कर लेंगे। ये रहे हमारे मैश पोटैटो जो बॉईल करके मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे, यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे। तो भाइयों अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को थोड़ी धीमी रखनी है, लो रखनी है, जिससे कि अच्छे से आसानी से मिक्स हो जाएगा ये। और बढ़िया से इसको हम जब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके हम एक बाउल में प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम जो दही हमने ले कर रखा हुआ है उस दही को हम एक बाउल में ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाउल में हमने दही ले लिया है और दही लेने के बाद में हमने जो मिक्सचर रखा हुआ था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपको एक चीज़ का यहाँ पर खासकर ध्यान देना है कि इसमें गरम गरम मिक्सचर यूज़ नहीं करना है। गरम मिक्सचर आप डालेंगे तो दही पानी छोड़ देगा और जो दही के कबाब है वो बन नहीं पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर लिया है और इसको हम बढ़िया से जनरल इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे हम दही के कबाब। दही के कबाब बनाने के लिए आप देखिए किस तरीके से मैं छोटे छोटे पहले बॉल बना ले रहा हूँ और बॉल बनाने के बाद में इसको हम टिक्की साइज बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिक्सचर को दो भागों में बांट लेना है। आधे मिक्सचर की हम टिक्की बनाएंगे और आधे मिक्सचर की हम बॉल बनाएंगे, जिसे दही बॉल बनेंगे, और आधे मिक्सचर की जो टिक्की बनाएंगे उससे बनेंगे हमारे दही के कबाब। तो इस तरीके से बॉल बना लेंगे। फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन मैंने घी डाला और इस तरीके से बॉल बनाने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं टिक्की बना रहा हूँ। तो इस तरीके से हमको कबाब बना लेना है और फ्राई पैन में इसको डाल देना है। तो इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। करीब चार पीस के लगभग मैं यहाँ पर दही के कबाब बना रहा हूँ और इस तरीके से कबाब बनाने के बाद में फ्राई पैन में हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, 5 मिनट इसको बढ़िया से पका लेंगे। पकने के बाद में हमको क्या करना है कि दही के कबाब को आराम से जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसको स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है। क्या होगा ना, स्लो फ्लेम पर पकाने से बढ़िया से पक जाएंगे। देखिए इस तरीके से पकने के बाद में कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। और दोस्तों अब इसको हम धीरे से इस तरीके से पलट देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा जेंटल तरीके से इसको पलटना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही डेलिकेट कबाब होते हैं, इसलिए ये क्या है, इसका जो शेप है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमें बड़े आराम से इसको पलटना है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमने पलट दी है। पलटने के बाद में बढ़िया से हम दही के कबाब को हम पका लेंगे। जब हमारे दही के कबाब पककर एकदम तैयार हो जाएंगे तो दोस्तों मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दही के कबाब जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं फटाफट इनको खा लूँ। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमारे दही के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। स्पेशल नवरात्रि में या किसी भी फास्ट में आप बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और हाँ, यहाँ पर क्या है कि हम इसको फ्राई नहीं करते हैं, पैन फ्राई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसमें कैलोरी भी कम होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा
लाभदायक होता है। तो ये दोस्तों अब हमारे दही के कबाब बनकर हो गए तैयार, अब चले हम इसको प्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, खाना पकाना आसान है लेकिन इसको प्रेजेंट करने की आर्ट भी हमें आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप खाने को जब प्रेजेंट करके अपने घर में मेहमानों को खिलाते हैं या खुद खाते हैं तो भाई सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे मखाना से गार्निश कर दिया है और हमने यहाँ पे थोड़े से रोस्टेड पीनट रखे हुए थे उससे हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों लो भाई, हमारे हो गए दही के कबाब बनकर तैयार। चोकोमा चाओ, अब तो हमें चला भाई दही के कबाब खाने के लिए। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, अभी तो मुझे बनाना है दही बॉल। तो दही के बॉल बनाने के लिए इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है, ये मखाना को क्रश करके रखा हुआ था इसलिए यहाँ पर मखाना का पाउडर हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर से इसको बढ़िया से कोट कर लेंगे। कोट करने से क्या होगा, ये जो बॉल है जब हम फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। तो आराम से बड़े अच्छे जेंटल तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप लोगों को भी इसी तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। बॉल ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, जैसे गुलाब जामुन आप घर पर बनाते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। अब हमने ले लिया भाई एक फ्राई पैन में ऑयल। ऑयल जब हमारे गर्म हो जाएगा तो हम ये जो बॉल हमने बनाया है उसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने बॉल सारे डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए और बढ़िया से इसको एकदम बढ़िया धीमी आंच पे बढ़िया से पकाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है भाई, जो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है ना वो बढ़िया से गर्म होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ठंडा रहेगा तो बॉल फट जाएंगे, गर्म रहेगा तो बॉल जल जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम धीरे धीरे जेंटल तरीके से अपने जो दही के बॉल है वो बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया अच्छे से हमारे दही के बॉल जो है वो फ्राई होकर एकदम हो गए तैयार। एकदम कुरकुरे कुरकुरे बनने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आने वाला, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। फ्राई करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है ना, बाहर से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर, सुनहरा सुनहरा कलर आना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए। तो लो भाई, हमारे दही के बॉल बनकर हो गए तैयार। कितने बढ़िया और अच्छे से फ्राई हुए हैं और बिल्कुल भी फटे नहीं है। तो इस तरीके से बॉल हमारे हो गए तैयार। अब क्या करेंगे हम, इसको करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेट लिया, प्लेट में मैंने केले का पत्ता लिया, एक टूथपिक से मैं सारे बॉल इस तरीके से मैं बढ़िया प्लेट के ऊपर सजा दूंगा। हमेशा याद रखना है, खाना पकाने के बाद में खाने को हमेशा परोसते टाइम बढ़िया से प्रेजेंट करना है और गार्निश करना है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दही और हरी धनिया की चटनी बनाकर मैंने यहाँ पर रख दी है। तो चटनी में भी हमने सेंधा नमक की यूज़ किया है और मखाने से और पीनट्स इस तरीके से हम कर रहे हैं गार्निश। तो लो भाई, हमारे दही के बॉल भी तैयार और हमारे दही के कबाब भी तैयार। दोस्तों मैं तो चला भाई एंजॉय करने के लिए। मैं बहुत देर से मुंह में पानी आ रहा था, बहुत देर से वेट कर रहा था। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे बने। दोस्तों नई रेसिपी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।